आज मैं बनाने जा रही हूँ इंस्टेंट जलेबी। इस जलेबी को बनाने में मैक्सिमम आपको 20 मिनट लगेंगे और कोई भी बाहर से सामान नहीं लाना है, जो घर पे पड़ा हुआ सामान है उसी से बनाएंगे। और सबसे स्पेशल बात जो है इस जलेबी की, कि हम इसमें सिर्फ 4 चम्मच मैदा यूज़ करेंगे और 4 चम्मच मैदा में पूरे परिवार के लिए एकदम मस्त जलेबी बनाएंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए और रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज की मज़ेदार जलेबी की रेसिपी को शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो प्लीज आप मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की मजेदार रेसिपी शुरू करते हैं। इंस्टेंट जलेबी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बर्तन लिया है, इसमें हम मैदा डालेंगे। तो 4 बड़े चम्मच इसमें मैदा डाल दें। मैंने यहाँ पे मेजरिंग स्पून यूज़ किया है, अगर आपके पास ये नहीं है तो नॉर्मल चम्मच यूज़ करें और उससे 4 बड़े चम्मच इसमें मैदा डाल दें। फिर हम इसमें 1/2 बड़ी चम्मच चावल का आटा डाल देंगे। चावल का आटा डालने से जलेबी जो है वो कुरकुरी बनेगी, लेकिन अगर आपको क्रिस्पी जलेबी नहीं चाहिए तो आप चावल का आटा स्किप करें। फिर हम इसमें दही डाल देंगे, तो यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच दही। तो 4 बड़े चम्मच मैदा, 1/2 बड़ा चम्मच मैंने चावल का आटा और 1 बड़ा चम्मच यहाँ पे दही लिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसमें थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे। तो अगर आपके पास फूड कलर नहीं है तो आप थोड़ा सा हल्दी भी डाल सकते हैं, नहीं तो अगर आपके पास फूड कलर है तो रेड या ऑरेंज कलर का फूड कलर डाल दें। चुटकी भर से ज़्यादा यहाँ पर फूड कलर नहीं डालें। अब हम इन सबको अच्छे से मिला देंगे। पहले दही को मैदे में अच्छे से मिक्स कर दें, उसके बाद हम इसमें पानी डाल के इसका एक बैटर बना लेंगे। तो यहाँ पे पानी डाल देती हूँ मैं, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें, एक बार ज़्यादा पानी नहीं डालें क्योंकि बैटर को हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। तो यहाँ पे मैदे को मिक्स किया मैंने, अब हम इसमें थोड़ा सा पानी फिर से डालेंगे और इसके बाद इसे ऐसे मिला दें। और जैसे ही ये मैदा जो है वो अच्छी तरह मिल जाएगा पानी में, तो यहाँ पे ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। तो हमें थोड़ा सा पानी वापस डालना है। हमें जो बैटर है वो सेमी थिक कंसिस्टेंसी का बनाना है, इस बात का ध्यान रखें। तो यहाँ पे हमने मैदे और पानी को अच्छे से मिला लिया है, अब हम इसे ढक के 5 मिनट के लिए रख देंगे, उसके बाद इसकी जलेबी बनाएंगे। तो तब तक हम क्या करते हैं कि चाशनी बना लेते हैं। तो गैस ऑन करके एक पैन में 1 कप चीनी डाल दें, इसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे। तो जितना चीनी आपने यूज़ किया है ना उसका आधा इसमें पानी डाल दें। तो यहाँ पे 1/2 कप पानी डाल देती हूँ मैं। गैस का फ्लेम मीडियम कर दें और इसके बाद चीनी में उबाल आने का वेट करें। तो इसे ऐसे मिला दें और इसे हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ताकि चीनी जो है वो अच्छे से गल जाए। जैसे ही चीनी में उबाल आ जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तब हम क्या करेंगे कि गैस का फ्लेम लो कर देंगे और उसके बाद इस चाशनी को 5 से 7 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाना है। तो यहाँ पे गैस का फ्लेम लो कर देती हूँ मैं और 5 से 7 मिनट तक पकने दें आराम से। 5-7 मिनट बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे चीनी जो है वो अच्छे से मेल्ट हो गई है। तो चीनी जो है वो जमे नहीं, उसके लिए आप इसमें थोड़ा सा नींबू का रस डाल दें, एकदम 1/4 छोटी चम्मच नींबू का रस, बहुत ज़्यादा नहीं डालें। नींबू का रस डालने के बाद इसे ऐसे मिला देंगे और लो फ्लेम पे 2 मिनट और पकाएंगे। तो हमें चाशनी को 10 से 12 मिनट से ज़्यादा नहीं पकाना है, इस बात का ध्यान रखें। तो ये हमारी चाशनी जो है वो बन गई है। यहाँ पे 1 तार 2 तार की चाशनी मैं नहीं बना रही हूँ, नॉर्मल चीनी को मेल्ट करके और गाढ़ा कर लिया है मैंने। तो चाशनी हमारी बिल्कुल रेडी है। अब हम क्या करेंगे कि गैस को ऑफ करने के बजाय इसे हटा के इधर कर देते हैं। यहाँ का गैस जो है वो बंद है, ये आप देख सकते हैं। तो बस चाशनी को हटा दें और इसके बाद यहाँ पे तेल का बर्तन गरम करें जिसमें हमें जलेबी बनानी है। तो जब तक तेल गरम हो रहा है तब तक हम क्या करते हैं कि हमने जो ये बैटर रखा है, तो 5 मिनट हो चुके हैं, 5 मिनट क्या, 5 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें थोड़ा सा सोडा डालेंगे और इसके बाद मिक्स करके बॉटल में भर के हम जलेबी बना लेंगे। तो यहाँ पर इसमें सोडा जो है वो बहुत ही कम डालना है, मतलब 1 चुटकी जो होता है ना, पिंच भर उतना ही डालना है, 1 चुटकी से ज़्यादा नहीं डालें। तो ऐसे एकदम नाम मात्र का यहाँ पे सोडा डालें। अगर आप सोडा ज़्यादा डालेंगे तो जलेबी जो है वो तेल में डालते ही फटने लगेगी। तो सोडा एकदम बस ऐसे ही 1 चुटकी भर डालें, मिला दें इसे। और सोडा डालने के बाद हम क्या करेंगे, इसे अच्छे से फेंट लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसे सॉस के बॉटल में भर लेंगे। तो यहाँ पे ये बॉटल बहुत ही आसानी से मिलता है, 10 रुपये का मिलता है मार्केट में। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप सूती के कपड़े का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे हलवाई लोग करते हैं कि कपड़े में बैटर डाल के और छोटा सा छेद कर लेते हैं। लेकिन उस केस में अगर आप कपड़े से बना रहे हैं तो बैटर को थोड़ा सा गाढ़ा रखें। और यहाँ पर ये बैटर जो है वो पूरा मैं डाल देती हूँ। आप चाहिए तो किसी प्लास्टिक का कोन भी बना सकते हैं, वैसे प्लास्टिक बैन है और ये प्लास्टिक का बॉटल भी मैं यूज़ कर रही हूँ तो मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगी, लेकिन और कोई ऑप्शन नहीं है जलेबी बनाने के लिए।
तो यहाँ पे हमारा बॉटल जो है वो रेडी हो चुका है। अब हम चलते हैं जलेबी बनाने के प्रोसेस में। तो पहले तेल में थोड़ा सा बैटर डाल के देखें। अगर तेल ज़्यादा गर्म है तो तेल को ठंडा कर ले, क्योंकि तेल हमें माइल्ड चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए। तो यहाँ पे तेल बहुत ज़्यादा गर्म है, क्योंकि ये जो बैटर है वो डालते ही ये देखिए छिटकने लगा। तो इसे मैं निकाल देती हूँ और गैस का फ्लेम लो करके तेल को थोड़ा सा नॉर्मल कर लेते हैं। जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो जाएगा, वापस हम इस बैटर को डालेंगे। तो बैटर डालते वक्त ना ऐसे नीचे बैठ जाना चाहिए, और इसके बाद ये फूल के ऐसे खुद ही ऊपर आ जाएगा। तो बस इतने ही टेम्परेचर पे हमें जलेबी को फ्राई करना है, इस बात का ध्यान रखें। जलेबी को फ्राई करते वक्त गैस का फ्लेम लो मीडियम रखना है। और यहाँ पे एक स्पेस और बचा हुआ है, तो मैं यहाँ पे भी एक जलेबी डाल देती हूँ। तो जलेबी डालते वक्त यहाँ देखिए क्लॉकवाइज ऐसे घुमाना है, उसके बाद सेंटर में एंड करना है उसको। तो मैं 2-3 बार आपको दिखाऊंगी, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि जलेबी को कैसे ऐसे शेप देना है। वैसे जलेबी को शेप देना जो होता है वो बहुत ही मुश्किल काम होता है, क्योंकि तेल में जाते ही वो अपना रूप खुद ही धारण कर लेती है। तो यहाँ पर इसे पलट देती हूँ मैं। और वैसे भी कहा जाता है ना कि जलेबी के शेप में क्या रखा है, जलेबी तो टेढ़ी ही होती है। तो जलेबी कैसी भी बने, बस खाने में अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये दोनों साइड से पक गया है। अब हम क्या करेंगे कि इसे निकाल के अलग नहीं रखना है। अब जो मेन ट्रिक है वो इस बात का ध्यान रखिए कि चाशनी हमारी गर्म है और ये फ्राई किया हुआ जो जलेबी है वो डायरेक्ट यहाँ से निकल के और यहाँ पर चाशनी में जाना चाहिए। चाशनी हमारी गर्म है और यहाँ पे जलेबी गर्म है, तो गर्म चाशनी में जब आप ये फ्राई किया हुआ जलेबी डालेंगे ना, तो चाशनी जो है वो अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाएगी, और उसके बाद जलेबी जो है वो पहले से थोड़े से फूल जाएंगे और खाने में बहुत अच्छा लगेगा। तो इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आपने जलेबी फ्राई करके रख लिया और उसके बाद चाशनी में डाला, तो उसका कोई सेंस नहीं है, मतलब वो ज़्यादा खाने में मज़ा नहीं आएगा। तो जैसे ही जलेबी एक साइड तल ले और दूसरी साइड चाशनी में डालते जाए उसे। तो यहाँ पर ये दूसरा सेट मैं बना लेती हूँ, और आपने देखा कि मैंने ऐसे कैसे कैसे शेप में जलेबी डाला था, लेकिन ये शेप जो है वो खुद ही इसका आ गया है। तो यहाँ पे एक साइड ये जलेबी फ्राई हो रही है और दूसरी तरफ यहाँ पे चाशनी में हमने पहले वाले बैच को रखा है। तो इसे एक बार पलट देंगे। जलेबी को हमें चाशनी में 5 मिनट ही रखना है, इसे ज़्यादा देर तक नहीं छोड़ना है। तो यहाँ पर जब तक ये वाली जलेबी जो है वो फ्राई हो जाएगी ना, तब तक उसका टर्न आ जाएगा निकालने का चाशनी में से। तो इसे पलट देती हूँ मैं। अगर आपको जलेबी मोटी चाहिए तो आप जो बैटर है वो थोड़ा सा गाढ़ा बनाएं। मुझे पतली और ऐसे कुरकुरी जलेबी बहुत पसंद है, इसलिए मैंने थोड़ा सा चावल का आटा डाला है और यहाँ पे बैटर को थोड़ा सा पतला रखा है। तो जैसे अगर आपको मार्केट वाली थोड़ी थिक जलेबी चाहिए ना, तो बैटर को गाढ़ा बना लें और राइस फ्लोर नहीं डालें। तो ये हमारी दूसरी बैच जो है वो रेडी हो चुकी है। तो इसे मैं पहले निकाल लेती हूँ पहले वाले को, क्योंकि हमें ये वाली जो जलेबी है वो इसमें डालनी है। तो इसे मैं निकाल लेती हूँ प्लेट में, और ये देखिए चाशनी से निकलने के बाद जलेबी जो है वो कितनी शाइनी लग रही है, एकदम बाजार जैसा। तो यहाँ पे ये वाला पहले मैं ये निकाल के चाशनी में डाल देती हूँ, और यहाँ पे चाशनी में डाल दें, अच्छे से डुबो दें इसे। और यहाँ पे हमने जो जलेबी फ्राई की है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए एकदम मार्केट जैसा दिख रहा है ना। तो सेम प्रोसेस से हम बाकी के बैटर की जलेबी बना लेंगे। तो यहाँ पे हमने 4 चम्मच मैदा लिया था, उससे कम से कम 20 से 22 जलेबी आराम से बनती है। तो यहाँ पे पूरे फैमिली के लिए आप 4 चम्मच मैदे में आराम से जलेबी बना सकते हैं। तो खर्चा भी कम है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं है, और एकदम बाज़ार जैसी जलेबी जो है वो घर पे बना के खाएं हेल्दी तरीके से। तो ये हमारा दूसरा बैच जो है उसे मैं निकाल लेती हूँ। अगर आपको थोड़ा सा ऑरेंज कलर और ज़्यादा ब्राइट चाहिए, तो चाशनी में जो है वो थोड़ा सा केसर डाल दें। केसर वगैरह महंगा होता है और नॉर्मली सबके पास अवेलेबल नहीं होता, इसलिए मैंने बहुत ही बेसिक तरीके से बताया है। तो मैंने जो इस वीडियो में यूज़ किया है वो सारी चीज़ें आपके घर पे आराम से रहेंगी, कोई भी टेंशन नहीं है कि बाहर से सामान लाना है। और ये हमारा लास्ट बैच जो है, तो इस बार मैं जलेबी जो है वो थोड़ी बड़ी बनाती हूँ। तो जैसा मन करे वैसा जलेबी बनेगी, छोटी बड़ी पतली मोटी आपके ऊपर है। तो ये हमारा लास्ट बैच जो है वो रेडी हो चुका है, तो इसे भी तल लेंगे। अब यहाँ पे दूसरे साइड जो चाशनी में जलेबी है उसे हम निकाल लेंगे। तो ध्यान रहे कि जलेबी को चाशनी में 5 मिनट से ज़्यादा नहीं रखना है, और उसके बाद प्लेट में निकाल के आप इसे रख लें। जलेबी बनाने के बाद जो चाशनी बच जाए ना, उसमें थोड़ा सा आटा और थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल के, और उसके बाद तवे पे आप उसका पैनकेक बना सकते हैं उस सिरप का। तो 4 चम्मच मैदा में हमने इतनी सारी जलेबियाँ बनाई हैं, आप देख सकते हैं। तो ये हमारे मार्केट से भी अच्छे क्रिस्पी और यहाँ पे जूसी जलेबी जो है वो रेडी हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट छोटे छोटे जलेबी हैं, बच्चों को ये बहुत पसंद आते हैं। तो आप इस मार्केट जैसे जलेबी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, और अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।